बहुत बिचौलिए जो हैं वो हम उससे ज़्यादा परेशानी है। जो भी हम लोगों के लिए आता भी है वो भी मिल नहीं पाता है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है तो हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ किसका कैसे किस तरह से शोषण किया जा रहा है। ये सरकार नहीं करेगी तो और कोई नहीं करेगा। आपने सिस्टम गलत है काम करने का, जो भी सरकार कर रही है उनका सिस्टम ही पूरा गलत है। अगर आप दे रहे हैं तो मन से दीजिए, डायरेक्ट दीजिए, ऐसी भी तो व्यवस्था है कि आप जो दें हमको डायरेक्ट हमारे पास पहुंचे। बीच वाले का कोई मतलब नहीं, अगर कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है, वो चाहती है कि दूसरा खाए तभी सब खा रहे, नहीं तो नहीं कोई नहीं खा पाता। सर ये सरकार की कमी है, महिला मतदाताओं को ज़्यादा जोर दिया गया क्योंकि हम लोग महिला मतदाताओं को बहुत ज़्यादा कमी, इसी वजह से मतलब भाजपा सरकार ने महिलाओं को ज़्यादा महत्व बढ़ने ताकि वो वोट डाल सके, कुछ भी मतलब अपना चुनाव खुद आगे बढ़ा सके। अब जब तक हम नहीं जागरूक रहेंगे सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उसमें 100% हम सरकार को नहीं बोल सकते हैं कि नहीं उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। जहां सुरक्षा की बात आती है वहां, और बेरोजगारी कहाँ है सर, बीजेपी से थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद है, जितना हो रहा है उससे ज़्यादा उम्मीद थी और रहेगा भी, लेकिन बेरोजगारी वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं सच है सर, इसीलिए कुछ नंबर कट देंगे भाजपा। वैसे मैं भाजपा के समर्थन करती हूँ, हमको अच्छा भी लगता है, लेकिन बेरोजगारी और जितना मतलब ये है नारी सशक्तिकरण का उतना मतलब जमीनी स्तर पर देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं पूछूं आपसे, जो पढ़ी लिखी महिला है उनका तो ठीक है, लेकिन गांव के इलाके को आप लोग करीब से देखती हैं, क्या बदलाव आ पाया या फिर बहुत कुछ बदलाव? बदलाव तो आया है, बहुत बदलाव आया है सर, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसे हमारे घर में आशा बहने की, वो भी एक मतलब नारी जाती हैं, उन जितना काम है उनका 2400 घंटा 3 रात तो उनका काम है, जैसे देखा जाए तो 2400 घंटा में कभी भी समय उनके लिए फ्री नहीं, उनके परिवार के लिए नहीं रह जाता है। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो लोग बोलते हैं उनकी उनका बस शिशु और मातृ सुरक्षा के लिए इनको रखा गया है और इनका कोई काम नहीं है, मतलब 4 घंटा दिन में से रोज सुना देंगी तो अपना काम कर पाएंगी, जबकि ऐसा सब नहीं है। हमारे आसपास भी आते हैं, ऐसा है, हम देखते हैं कि 24 घंटा उनके लिए मतलब ना तो उनका कोई परिवार है, ना तो बच्चा है, ना कोई कुछ है। जब रात को 11 बजे 12 बजे 2 बजे जब भी लाभार्थी फ़ोन कर दे तब उनको अपना बेड बिस्तर बच्चे छोड़ के जाना पड़ता है, और उसके बाद भी वो अपने पैसे से अपने अर्निंग से अपना बाल बच्चा परिवार नहीं चला सकते। ये बहुत दुखद मतलब बात है, सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए। यही सब बातें हैं सर, कहीं ना कहीं मतलब कमियां हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। कमियां हैं लेकिन डबल इंजन की सरकार है, अगर चाहेंगे तो वो कर लेंगे, क्या वो देखते नहीं या फिर जो नीचे के लोग हैं ऊपर तक पहुँचाने? नहीं, ये भी है सर, ये भी सच है, हमारी बात ऊपर पहुँच कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शिक्षा से पहुँच नहीं पा रही है, और जो पहुँच भी रही है वो मतलब उसको नज़रअंदाज किया जाता है, हमारे कहने का मतलब है। और बहुत बिचौलिए जो हैं वो हम उससे ज़्यादा परेशानी है, जो भी हम लोगों के लिए आता भी है वो भी मिल नहीं पाता है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है तो हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ किसका कैसे किस तरह से शोषण किया जा रहा है, इस बात पर पूरा ध्यान होना चाहिए सरकार का। नहीं सर, ये सिस्टम गलत है काम करने का, जो भी सरकार कर रही है उनका सिस्टम ही पूरा गलत है। अगर आप दे रहे हैं तो मन से दीजिए, डायरेक्ट दीजिए, ऐसी भी तो व्यवस्था है कि आप जो दें हमको डायरेक्ट हमारे पास पहुंचे। बीच वाले का कोई मतलब नहीं, अगर कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है, वो चाहती है कि दूसरा खाए तभी सब खा रहे, नहीं तो नहीं कोई कोई नहीं खा पाता सर, ये सरकार की कमी है। 10 में से कितना देती है? 7। 10 में से 7 देती हैं। मैं वही मैंने साझा की, विकास की बात होती, विकास हुआ लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें भी हैं ना जो कि पटल पे सरकारें वादा करती हैं लेकिन आते आते धूमिल सी हो जाती है। मैं सुशील तिवारी, बने रहिएगा हमारे साथ।